नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के विरुद्ध कांग्रेसी सड़क पर उतरे और रोड जाम कर दिया। जिले के पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क कचहरी के पास एनएच का सर्विस रोड जाम कर दिया गया। चंदौली पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम हटवाया जा सका और सैकड़ों कांग्रेसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोतवाली में बैठा दिया। मौके पर सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। वहीं कांग्रेस के चंदौली जिला अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना ने बताया कि वर्तमान सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है, बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। जब चुनाव आता है तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लालच देकर गरीबों का वोट ले लेती है और जीत जाने के बाद जनता पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। इस बार जनता माफ नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। जनता इनकी पूरी सच्चाई जान चुकी है।